पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर बयान, पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, जहां जहां काम करने बोलेंगे वहां वहां करेंगे। अभी अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, लगातार हम लोगों ने काम भी किया, इसकी जिम्मेदारी दी है, हम इसे भी करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी के संभावित है, उसमें अभी जो मणिपुर से चला है अब बिहार में कल प्रवेश होगा, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं दिल्ली जाकर फिर कल डोगरा होते पूर्णिया कल पहुंचूंगा। बिहार के साथ जिलों में जो यात्रा निकलेगी उसकी भी एक अहम उसकी चर्चा हुई है और उसके बारे में अध्यक्ष वो एक अलग विषय है और ये दूसरा विषय है। एक बार फिर सर, बहुत पार्टी जहां जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जहां जहां काम करने अभी जैसे अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार हम लोग बैठके किए, अभी ये जिम्मेदारी दी थी इसको भी करेंगे। मोहन जी चलिए अब देखते हैं उसको। जहां तक के मैं समझता हूं कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों के प्रचार करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा ऐसा मैं सोचता हूं। मुझे मैं चुनाव लड़ने के देख व्यक्तिगत रूप से बोले मैं विधायक हूं, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूं कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा।